नमस्कार, मैं हूँ सागरिता वसुया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखा नमकीन चटपटा शक्करपारा। तीखा शक्करपारा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खाने में पसंद आता है। इसे आप टी टाइम नाश्ते में कभी भी खा सकते हो। नमकीन के दुकान पे मिलते हैं वैसे कुरकुरे शक्करपारा, आज हम घर पे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। शक्करपारा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, आधा कटोरी सूजी ली है, ये मैंने काला नमक लिया है। काला नमक से शक्करपारा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च का पाउडर लिया है, हींग, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लिया है। अब हम आटा लगाएंगे। ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, इसमें आधा कटोरी सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम आटे में सारे मसाले ऐड करेंगे। एक चौथा चम्मच हींग ऐड कर देंगे। एक चौथा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक चौथा चम्मच काले मिर्च पाउडर। एक चौथा चम्मच काला नमक। स्वाद के हिसाब से आधा चम्मच नमक डालेंगे। सभी मसालों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच तेल का मौन लगाएंगे। ऑयल को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। आटा हम जैसे पूरी का लगाते हैं वैसे आटा लगाएंगे, ना तो ज़्यादा कड़क ना तो ज़्यादा नरम। आटे में एक चम्मच तेल डाल के अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। आटे को हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम आटे को अब चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। आटे की हम इस तरह से लोइयां बना लेंगे। अब हम लोइयों को रोटी की तरह बड़े शेप में बेल लेंगे। रोटी को हमें नहीं पतला बेलना है, नहीं जाड़ा, मीडियम साइज में बेलना है। अब हम रोटी को शक्करपारा के साइज में काट लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से काट लेंगे। हमने शक्करपारे को छोटे साइज में काट लिया है, अब थोड़ी देर इसे सूखने देंगे। शक्करपारे को हम साइड में रख देंगे, जब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका, अब हम शक्करपारा को तल लेंगे। सारे शक्करपारे को हम तेल में डाल देंगे। शक्करपारा का कलर चेंज होने तक हम इसे तल लेंगे। आप देख सकते हैं एक एक शक्करपारा तल के फूल चुका है। शक्करपारा तल के तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी रोटी बेल के बड़े शेप में शक्करपारा बना लेंगे।
बड़े साइज में काटे हुए शक्कर पारे को भी हम इसी प्रकार तल लेंगे। देख सकते हैं बड़े साइज में भी शक्कर पारे अच्छी तरह से तेल में फूल चुके हैं। बड़ा शक्कर पारा भी अच्छी तरह से तल चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म शक्कर पारा के ऊपर हम मसाला ऐड करेंगे। शक्कर पारा के ऊपर हम काला नमक, हींग, काला मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पारा के ऊपर सारे मसाले डाल दिए हैं, अब हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। छोटे शक्कर पारे को भी हम इसी प्रकार मसाला डालकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं शक्कर पारा बहुत ही अच्छे कुरकुरे बने हैं। तो तैयार है हमारा तीखा चटपटी नमकीन शक्कर पारा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।